हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो ये छोटा सा व्लॉग आपके लिए बताना कैसा लगा। और मार्केट तक जा रहे हैं हम, थोड़ा बैंक में काम है तो आपको भी दिखाते हैं। तो वीडियो पूरी देखते रहे फ्रेंड्स। नीचे से हैं सीढ़ियाँ भी, हम आए अभी, ऊपर को भी काफ़ी है तो चढ़ते हैं। बहुत ही टाइम हो गया इस रास्ते से आए हुए हमें, तो शॉर्ट है ये रास्ता भी। तो इधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं हम मार्केट, मम्मा है साथ में आगे। तो फ्रेंड्स देखो, और ये पीपल का पेड़ है यहाँ पर, ये मम्मा, ये हमारे भोलेनाथ जी। ये टेलीफोन एक्सचेंज इधर है। और तो देखो कबूतर दिख रहे हैं। तो जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये रास्ता है और साइड साइड पे घर है। और ये नीचे वाला रास्ता एक नीचे को जाता है। तो इस तरह से है फ्रेंड्स। और फास्ट फूड ये भी पता नहीं कब खुला, हमें तो पता नहीं, हम इस रास्ते से बहुत कम होते हैं, तो अभी हमको तो न्यू लग रही है ये। तो देखते रहिए आप वीडियो। ये जो है हमारा स्कूल का रास्ता है यहाँ से, और हम पहले सुबह सुबह यहाँ से आते थे। तो यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल भी है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर, और देखो यहाँ पर मेरी फ्रेंड का भी घर है, लेकिन वो पीछे है अभी, यहाँ पर थोड़ा नज़दीक नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन अभी तो नहीं जाना, अभी काम है ना। तो और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये स्कूल की है। मैं मेन गेट भी आपको दिखाती हूँ अभी आगे से। तो ये गेट है, ये शांति निकेतन स्कूल है और भारतीय पब्लिक स्कूल, ये भी, ये पूरी बिल्डिंग स्कूल की है ये दोनों, और बहुत ही फेमस भी है ये दोनों स्कूल। तो दोनों प्राइवेट है ये, और हमारा सरकारी स्कूल ऊपर है। तो यहाँ से देखो ऐसा रास्ता है छोटा सा, और ये भी यहाँ पर भी फास्ट फूड है थोड़ा सा। अब हम मेन रोड के पास पहुँच गए, यहीं पर बैंक भी है। तो यहाँ पर आ गए हैं मेन रोड पे पहुँच के हम, और तो थोड़ा सा इधर है आगे बैंक भी साथ में। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, यही बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय में काम हो गया। और ये देखो, इस रास्ते से माए यहाँ पर, और ये स्कूल का गेट है। तो ये पुराना गेट है, मैं आपको न्यू गेट बताती हूँ। इधर से हम जाएंगे स्कूल की बिल्डिंग, ये सब, ये सारा स्कूल ही है। तो ऊपर है गेट, ये भी सारा स्कूल का है, और आपका तो दिखना नहीं है स्कूल, शायद दिखेगा ही नहीं क्योंकि अंदर शायद जाएंगे। खुला है स्कूल है, से गेट तो खुला ही होता है। तो ये है स्कूल का गेट, मेन गेट। और आगे चलो अंदर, माता सरस्वती माता जी। चलो पहले तो हम स्कूल को प्रणाम करते हैं। ये छोटा सा मंदिर यहाँ पर बनाया है, अभी प्लस टू में ही बनाया था, जब मैं प्लस टू में हुई थी, मतलब प्लस वन में बना था। तो ये सरस्वती माता का मंदिर, अंदर जाना, जा नहीं सकते हम। तो यहाँ से देखो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा पार्क में, ये छोटा सा पार्क यहाँ पर बना हुआ है। और देखो इधर से ही रास्ता है बीच पे, और साइड साइड पे ये पार्क बना हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है स्कूल में आकर, वैसे बहुत टाइम हो गया हमें स्कूल में आकर। और ये बिल्डिंग है स्कूल की, और आगे कूलर लगा हुआ है, ये वॉशरूम साइड, यहाँ पर बाथरूम वगैरह हैं, और ये बैडमिंटन ग्राउंड है। यहाँ पर हमारी टेंथ की क्लास लगती थी, और इस ऊपर है बिल्डिंग को नाइन्थ की लगती थी वहाँ पर।
तो यहाँ पर देखो ये छोटी सी सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर साइड है, और चलते हैं फिर हम। और क्या बताऊँ मैं आपको, बस काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है स्कूल में, यहाँ पर भी नल लगे हुए हैं साइड में, तो यहाँ पर ये। और अब आगे हम चलते हैं, चलो अब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं, और यहाँ पर एसडीएम ऑफिस और तहसील भी यहीं पर है साथ में ऊपर की साइड पे ये। तो चल रहे हम, रोड तो ऐसे भी खाली है, ऐसे बच्चे बच्चे होते थे काफ़ी स्कूल के स्टूडेंट, और थोड़ी याद आ गई अपने स्कूल की। सच वो दिन भी क्या दिन थे, बहुत अच्छे थे जो भी। चलो अब तो वो टाइम नहीं रहा। बाहर वाली बिल्डिंग जो देख रही है, ये हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग है बहुत बड़ी, न्यू बनी है, और ये एसडीएम ऑफिस की। और अब तो ठीक है, बन गई है बिल्डिंग, पहले नहीं थी। ग्राउंड जैसे कि मेला ग्राउंड, यहाँ पर मेले होते इस ग्राउंड पे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तो अभी गाड़ियाँ वगैरह खड़की है, वैसे खाली नहीं रहा स्पेस, यहाँ पर वैसे झूला लगता था। और देखो ये मेला ग्राउंड जिसे कि बोलते हैं, यहाँ पर कोचिंग भी होती है, कोचिंग देते हैं, और अभी भी बहुत से यहाँ पर दौड़ने के लिए आते हैं। और यहाँ पर वैसे जोगिंदर नगर के मेले होते हैं, तो हम चलते हैं। ये तो मैंने आपको यहाँ पर बताया, हमें अभी नीचे से जाना है, तो चलते हम आते हैं नीचे की तरफ को, ये सीढ़ियाँ यहाँ से। और अच्छा अच्छा आगे भी काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वैसे इस रास्ते पर बहुत टाइम हो गया, हम कभी आए नहीं इस साइड। तो ऑफिस, तो अभी हम चलते हैं अपने रास्ते पे, तो फिर देखते रहो ये वीडियो, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पर ये जो है रास्ता खाली है सड़क, वैसे यहाँ पर भी दुकानें लगती हैं मेले की, जब मेले लगते हैं तो। गेट है प्राइमरी स्कूल का, ये बैक साइड का गेट है, और प्राइमरी बॉय स्कूल है यहाँ पर ये, और दूसरी इसके पीछे साइड हाई स्कूल दूसरा भी है। आज तो आपने काफ़ी स्कूलों की यात्रा कर ली, हमने भी कर ली, तो स्कूल स्कूल तो देख ही लिया अपने। चलो बहुत अच्छा भी लगा, हमें बहुत अच्छा लगा अपने स्कूल में, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे हमें लॉकडाउन में देखा ही नहीं स्कूल, और अभी भी पीछे जैसे अंश शीट जमा करवानी थी, फीस जमा करवानी, तो मम्मा गए थे और दीदी गए थे, मैं नहीं गई थी, तो टाइम काफ़ी हो गया था। और आज बहुत अच्छा लगा स्कूल जाकर। तो यहाँ पर आपको सामने बिल्डिंग दिख रही है, मेरी मम्मी के नानू का घर है यहाँ पर, और ये दुकानें जो आपको दिख रही है नीचे शॉप, ये भी उन्हीं की है। तो ये गाय गौ माता हमारी, यहाँ से, और ये नीचे से रास्ता है यहाँ पर, अभी हम यहीं से ही जाएंगे, सामने जाना, अच्छा तो सामने जाएंगे हम। ये वो बिल्डिंग है, ये शॉप है। तो फ्रेंड्स हम तो चलते हैं, हमने ये सामने जो आपका रास्ता दिख रहा है यहाँ से जाएंगे हम। तो आज सच यार फ्रेंड्स, बहुत पुराने पुराने रास्तों पर आ रहे हैं, और बहुत पुरानी पुरानी यादें हमको मिल रही है, यहाँ से भी हम पहले आ चुके हैं। और आज वैसे भी स्कूटी पे नहीं आए, अगर स्कूटी पे आए होते तो शॉर्ट आना था और जाना था, अब पैदल आए तो पैदल यहाँ से हम शॉर्ट शॉर्ट रास्ते पे जा रहे हैं। ये रास्ता भी बहुत पुराना है, और यहाँ पर भी अपने काफ़ी लोग हैं, वैसे दीदी की फ्रेंड भी है यहाँ पर, और साइड पे अभी तो घर नीचे है उसका, तो मिले हैं वैसे हम, वैसे अभी तो हमें नहीं मिले वो, वैसे बात करना पड़नी अगर मिल जाएंगे तो। और वैसे तो हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से जल्दी जल्दी, और भी है यहाँ पर रिश्तेदार, तो रिश्तेदार तो क्या जान पहचान है, और हाँ रिश्तेदार भी हो गए, भी कॉलोनी है छोटी सी, तो
वैसे यहाँ की जगह का नाम समलोट है, ये विलेज मतलब समलोट पड़ती है यहाँ की, समलोट है ये। और मेरे पैर गर्म हो गए बहुत, चले आज ना गर्मी पड़ गई है। हाँ चले तो बहुत, ये कॉम्प्लेक्स में आ गए हम, ये कॉम्प्लेक्स है जोगिंदर नगर का। तो एटीएम आए हैं हम यहाँ पर, ले सकते हैं। ये हमारा कृष्ण मंदिर, कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण का मंदिर, जय श्री राधे। तो ये है यहाँ पर देखो, तो फ्रेंड्स देखो ऐसा है ये मंदिर, यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं साइड पे, उस साइड। तो ये हमारा मंदिर, तो पहले तो ये कार कर लेते हैं। तो ये पीछे की साइड, ये हमारे नंदी जी। तो इस तरफ से ऐसा है, और ये यहाँ पर माँ वैष्णो भवन, यहाँ पर भी है। ये मंदिर के पीछे की साइड है, ये ऊपर लैंटर भी है मंदिर का। और तो चलते हैं हम, ये अग्नि कुंड है और यहाँ पर शादियाँ भी होती है, इधर करवाते हैं। तो यहाँ पर तस्वीरें देखो इतने अच्छे से हैं, अब हम जो है वो घर चल पड़े हैं वापस। और ये रास्ता भी अलग है, शॉर्ट है, ये भी आपने शायद पहले देखा है, दीदी के साथ आए थे हम तो। और हमने सामान लिया बाज़ार से, तो टाइम लग गया काफ़ी, समय हो गया वहीं पर ही बाज़ार पे। अब वापस जा रहे हैं, तो फिर तो ये वाली बिल्डिंग अभी तैयार कर रहे हैं मैम, ये हमारी मैम का घर है और हिंदी पढ़ाते थे हमें। वैसे ये मतलब घर का मेन गेट है, वैसे बहुत याद आती है मैडम की भी। और यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, वैसे बहुत मतलब अभी काम लगा हुआ है इसका। हाँ 3 मंजिल का घर है, पीछे से भी, पीछे दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाती हूँ, देखना। ये पीछे की साइड पे हैं, तो वो बहुत ही बड़ा मकान बनाया मैम ने, कब से भी ये देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है मैम ने। और बहुत ही अच्छा घर बना रहे हैं, अभी बन रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ पूरा, अब जब तैयार होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और वैसे भी अब तो हमें पर मैम नहीं पढ़ाते क्योंकि ची ट्रांसफ़र हो गई है, और अनीता सूद नाम था मैम का, और बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे मैम हमें।
हम भी चल रहे हैं और आप भी हमारे साथ साथ। तो यहाँ पर ये तो खाली, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने वैसे भी डांस वीडियो भी बनाई है मैंने यहाँ पर, और वो नीचे थोड़ी सी इधर, और साथ में घर भी हमारा, तो करते हैं यहाँ पर वीडियो का एंड मैंने सोचा। और वैसे भी वो डांस वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, आपने देखी होगी। और तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ मुझे बताना। और मैंने आज आपको अपना स्कूल भी बताया तो कैसे लगा, और हाँ मेन मार्केट में जो मंदिर पड़ता है कृष्ण मंदिर वो भी मैंने आपको बताया। तो मतलब इस वीडियो में थोड़ा खास था, थोड़ा नया था, इतना मुझे पता है। अभी दो एक दो वीडियो जो है उसमें इतना खास नहीं मिला आपको वीडियो पे, तो मैं भी मतलब सोचती हूँ कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ आप भी मुझे बताएं कि किस तरीके से मैं बनाऊं। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे मतलब यहाँ तक आपने मेरा सपोर्ट किया, यहाँ तक आपने मेरा साथ दिया। और प्लीज़ फ्रेंड्स मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं। और अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।